इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों डेनमार्क जो है एक यूरोपियन कंट्री है और ये शेंजेन कंट्री की लिस्ट में आती है। और देखिए अगर आप लोग डेनमार्क चले जाते हैं तो आप काफ़ी सारी और यूरोपियन कंट्रीज़ में आ जा सकते हो, जैसे जर्मनी आप लोग जा सकते हैं, आप लोग स्वीडन जा सकते हैं, आप लोग स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, देन अलग अलग और काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिन कंट्रीज़ में आप लोग ट्रेवल कर सकते हो। तो डेनमार्क एक काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। डेनमार्क की जो कैपिटल सिटी है वो है कोपेनहेगन, और इस कंट्री में जो करेंसी चलती है वो इनकी पर्सनल करेंसी चलती है, बट जो आप लोगों को सैलरी मिलती है वो यूरो में आपको मिलती है। एंड इस कंट्री में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो डेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, जो सेकंड लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। जो इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है वो है लगभग 58 लाख से करीब, और हमारे इंडिया के जो है लगभग 40 से 50 हज़ार लोग ऑलरेडी इस कंट्री में काम कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया के देखिए बहुत सारे लोग इस कंट्री में काम कर रहे हैं। तो ये इस कंट्री के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। इस कंट्री में और काफ़ी अलग अलग सिटीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड पॉपुलर है, एंड बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं इस कंट्री में घूमने के लिए आते हैं हर साल। तो डेनमार्क में जो है काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, और ये जो जॉब वैकेंसीज़ निकली हुई है ये सभी जॉब वैकेंसीज़ निकली हुई है डेनमार्क एयरपोर्ट पर। दोस्तों मेरा नाम है शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल अपने दोस्तों। तो दोस्तों जिन लोगों ने अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देन गाइस अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर भी फॉलो कर सकता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दिया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि शहबाज भाई आप किसी नई कंट्री के बारे में बताओ, कि कोई ऐसी यूरोप की कंट्री में बताओ जिस कंट्री में हमें इजीली जॉब मिल जाए, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी माल्टा के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि माल्टा में ये जॉब अवेलेबल है, ये जॉब अवेलेबल है, कि इस कंट्री में जाना काफ़ी इजी है। तो बहुत सारे जो वीडियोस हैं आप लोगों को माल्टा के बारे में देखने के लिए मिल जाएगी। वीडियोस को देखने के बाद में जो लोग हैं देखे बहुत सारे लोगों ने माल्टा के लिए अलग अलग कंपनीज में अलग अलग एजेंसी में ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। तो जो ट्रैफिक है देखे बहुत ज़्यादा हो चुका है माल्टा के अंदर। तो दोस्तों देखिए अभी जो है मैं आप लोगों के लिए नई नई कंट्रीज़ लेकर आ रहा हूँ, नई नई जॉब वैकेंसीज लेकर आ रहा हूँ अलग अलग देखिए सेक्टर्स में, ताकि आप लोगों को जॉब मिल जाए, क्योंकि अभी देखिए माल्टा के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब जो है देखिए बहुत कम मिल रही है। तो एक थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि अभी मोस्टली देखिए हर किसी को जो है माल्टा के बारे में पता चल गया कि हाँ माल्टा में जो है जॉब ईजिली मिल जाती है, और भाई हम वहाँ जाकर 2 से 3 लाख रुपये कमा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैंने अपनी एक वीडियो में और बताया था कि जितना इजी माल्टा जाना है उतना इजी आइसलैंड एंड फिनलैंड जाना है, तो आप लोग आइसलैंड एंड फिनलैंड के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। देन डेनमार्क में भी गाइज सेम वही प्रोसेस है, सेम उतना ही इजी डेनमार्क भी जाना है जितना इजी माल्टा एंड आइसलैंड जाना है। तो जो लोग आइसलैंड माल्टा एंड फिनलैंड के लिए अप्लाई करें वो लोग डेनमार्क के लिए भी ज़रूर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेनमार्क में भी देखिए बहुत सारी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है। और दोस्तों आप लोग को डेनमार्क के अंदर जॉब जो है काफ़ी जल्द मिल सकती है, और यहाँ पर जब आप लोग को जॉब मिल जाएगी तो आप 2 से 3 लाख रुपये तक इजिली कमा सकते हो। तो दोस्तों डेनमार्क के एयरपोर्ट पर काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज निकली हुई है, और इन जॉब वैकेंसीज की मैं आप लोगों को लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन सी जॉब वैकेंसी किस किस कैटेगरी में निकली हुई है। डेनमार्क एयरपोर्ट पर जो सबसे पहली जॉब वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है स्टेफ्स के लिए, उसके बाद में आईटी बिजनेस सपोर्ट मैनेजर के लिए जॉब निकली हुई है, उसके बाद में स्टोरेज सुपरवाइजर, उसके बाद में सेल्स एम्प्लॉई, उसके बाद में सेल्स असिस्टेंट के लिए, उसके बाद में जो जॉब निकली हुई है वो निकली हुई है वेयर हाउस असिस्टेंट के लिए, उसके बाद में जॉब निकली हुई है वो निकली हुई है स्टोर असिस्टेंट के लिए, उसके बाद में जो जॉब निकली हुई है वो निकली हुई है टीम मेंबर के लिए। तो ये जो टीम मेंबर की जॉब है ये रेस्टोरेंट्स एंड होटल में रहेगी। उसके बाद में जॉब निकली हुई है वेटर्स के लिए, उसके बाद में स्टोर मैनेजर्स के लिए, उसके बाद में सेल्स असिस्टेंट के लिए जॉब निकली हुई है, उसके बाद में फिर से क्रू मेंबर के लिए जॉब निकली हुई है, उसके बाद में सुपरवाइजर्स के लिए जॉब निकली हुई है, उसके बाद में ब्रिस्टा के लिए जॉब निकली हुई है, उसके बाद में किचन असिस्टेंट के लिए जॉब निकली हुई है। एंड जो जॉब निकली हुई है वो निकली हुई है लोडिंग अनलोडिंग की जॉब निकली हुई है एयरपोर्ट पर। एंड इसी तरह से दोस्तों काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज डेनमार्क एयरपोर्ट पर निकली हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को ये जॉब वैकेंसीज मिल सकती हैं, तो इन जॉब वैकेंसीज में डेनमार्क एयरपोर्ट पर जो जॉब वैकेंसीज निकली हुई है इन सभी जॉब वैकेंसीज में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपना एक यूरोपियन फॉर्मेट CV बनवाना है, देन आपको यूरोपियन फॉर्मेट कवर लेटर बनवाना है, तभी दोस्तों आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग देखिए
फ्रेशर्स हैं तो उनके लिए भी अलग अलग काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज निकली हुई है, देन जो लोग एक्सपीरियंस है तो उनके लिए भी काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज निकली हुई है। तो आप लोगों को मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि कौन कौन सी और जॉब वैकेंसीज निकली हुई है और किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने लैपटॉप पर ले जाकर समझाने वाला हूँ। पर दोस्तों अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग भी डेनमार्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना यूरोपियन फॉर्मेट CVN कवर लेटर बनवा लीजिए। जो लोग अपना CVN कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में बनवाना चाहते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन मिल जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर SMS करें, मैं आपका CVN कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में प्रिपेयर करवा कर दूंगा, जो मेरा चार्ज आपको पे करना है। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इन सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ इन जॉब्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं, देखिए जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं, ये डेनमार्क एयरपोर्ट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो एयरपोर्ट है, देखिए कोपेनहेगन में जो इस कंट्री की कैपिटल सिटी है वहाँ पर ये एयरपोर्ट है। तो इस एयरपोर्ट पर काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज निकली हुई हैं और उन जॉब वैकेंसीज के बारे में भी आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। पर दोस्तों जो लोग इस करियर वेबसाइट पर आना चाहते हैं, जो लोग इस पेज पर आना चाहते हैं, तो उनको जो है जस्ट मेरी वीडियो के सेक्शन में जाना है, वहीं पर वेबसाइट का लिंक ऐड कर दे, तो आपको जस्ट वहां पर क्लिक करना है और आप आ जाएंगे इस पेज पर। इस पेज पर आने के बाद में गाइस देखिए आप लोगों को यहीं पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर देखिए काफ़ी सारी जॉब वैकेंसी निकली हुई है, तो आपको जस्ट यहां पर थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल अप करना है और यहीं पर देखिए आप लोगों को सारी जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगी। वैकेंट जॉब्स एट द कोपेनहेगन एयरपोर्ट शॉपिंग सेंटर, ठीक है। तो ये सारी जॉब आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखिए सारी जॉब्स अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए सबसे जो पहली जॉब है वो है शेफ्स के लिए, उसके बाद में IT बिजनेस सपोर्ट, उसके बाद में स्टोरेज सुपरवाइजर, कस्टमर असिस्टेंट, एयर हाउस असिस्टेंट, उसके बाद में सेल्स एडवाइज़र, उसके बाद में स्टोर असिस्टेंट। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर बहुत सारी जॉब अवेलेबल, जैसे देखिए कुकिंग स्टूडेंट के लिए जॉब अवेलेबल है, वेटर के लिए जॉब अवेलेबल है, सेल्स असिस्टेंट के लिए जॉब अवेलेबल है, क्रू मेंबर के लिए जॉब अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देखिए जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग फ्रेशर है, वो लोग देखिए इन जॉब्स में अप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ये लास्ट में जॉब है ब्रिज असिस्टेंट के लिए और कैफे एम्प्लॉय सर्विस क्रू, ठीक है, ये जॉब है। इन जॉब्स में वो लोग अप्लाई कर ले जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, और जो लोग देखिए फ्रेश है तो वो लोग इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। पर तो यहाँ पर मैं आपको एक जॉब में अप्लाई भी करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि मैं आपको एक जॉब में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। एक जॉब यहाँ पर अवेलेबल है वेटर की, तो ये जो जॉब है देखिए इसकी जो डेडलाइन है वो अभी काफ़ी दिनों के बाद है, क्योंकि अभी देखिए मार्च चल रहा है और आप लोग इस जॉब में अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो, तो काफ़ी दिन है अभी, तो आप लोग के पास देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है, आप लोग इस कंपनी में इस एयरपोर्ट जॉब में ज़रूर अप्लाई कर देना। तो यहाँ पर इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी कि आपका काम कितना रहेगा, आपको हर महीने सैलरी कितनी मिलेगी, और आपको कितने घंटे काम करना होगा, कंपनी आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएगी, सारी इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करा दी है। तो आप जब इस पेज पर आ जाएंगे आप सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से ले सकते हो। तो इस जॉब में अप्लाई करने के लिए यहीं पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेंड एप्लीकेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। बाद में आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक फॉर्म मिल जाएगा, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। जैसे आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है, उसके बाद में सरनेम आपको ऐड करना है, बाद में आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना, जो हमारी कंट्री इंडिया, आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को पहले यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देना और अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद में आपको अपना यूरोपियन फॉर्मेट का CV यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एडमिशनल फाइल में अपना यूरोपियन फॉर्मेट का कवर लेटर ऐड कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मोटिवेटेड एप्लीकेशन में कुछ अच्छा सा SMS टाइप करना है, देन आपको यहाँ पर आई एग्री करके सबमिट द एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। देन गाइज आपका जो है इस कंपनी में वेटर जॉब के लिए हो जाएगा अप्लाई। इसी तरह से देखिए काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज इस कंपनी में निकली हुई हैं, तो आप लोगों सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जॉब वैकेंसीज ये निकली हुई हैं इस एयरपोर्ट पर, सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, सेम तरीका आपको यूज़ करना है, देन सेम तरीके को यूज़ करके आपको इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों देखिए काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज डेनमार्क एयरपोर्ट पर निकली हुई हैं, और जैसे मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है, बहुत सारी जॉब देखिए अलग अलग कैटेगरी में निकली हुई है। अगर आपको किसी देखिए कैटेगरी का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो फ्रेशर्स के लिए हैं, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे पहले उनको अपना एक यूरोपियन फॉर्मेट CVN कवर लेटर बनवाना है, उसके बाद ही उनको अप्लाई करना है।
तो अप्लाई करने के लिए भी देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपको जस्ट जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी, देन वहीं पर उन्होंने देखिए ऑप्शन दिए हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। मैंने आपको एक जॉब में देखिए अप्लाई करके भी बताया कि जो वेटर की जॉब है देखिए वो जॉब निकली हुई है, तो आप उस जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहिए मेरे इस यूरोपियन अपने जॉब्स को, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।